हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को अब एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, एक नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और इंडिया में जो टोटल नेशनल पार्टीज हुआ करती थी 8, अब उनमें से कुछ पार्टीज को हटा दिया गया है, और टोटल नेशनल पार्टीज अब कितनी रह गई हैं, टोटल नेशनल पार्टीज रह गई हैं 6। ठीक है, पहले 8 थी, इनमें से कुछ पार्टीज का दर्जा, नेशनल पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 2012 में इसके संस्थापक कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या किया है, 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त किया है, इससे इसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। गुजरात में इसने 12.92% वोट जीते हैं। ठीक है, और गोवा में 6.8% जीते हैं, दिल्ली में 53.6% है, और पंजाब में 42.01% है। यानी टोटल इसने जो वोट जीते हैं 4 राज्यों में 6% से ज्यादा अगर कोई भी पार्टी वोट जीत जाती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। हालांकि आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, और भी कंडीशंस हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। प्रेजेंट में इंडिया में जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्रीय दल है, उनकी संख्या 6 है। कौन से ये 6 दल हैं ये देख लो जरा। देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी है, यानी बीजेपी। बीजेपी की स्थापना, इनकी स्थापना जरूर याद करनी है आपको, 6 अप्रैल 1980 को की गई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे आप कहते हो, 28 दिसंबर 1985 को, भारत की सबसे पुरानी वर्तमान में पार्टियों में यही है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई है इसकी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीपीआई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है, 7 नवंबर 1964 को। सीपीआई की स्थापना कब हुई है, 7 नवंबर 1964 को, ये इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए, आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में हुई है, 26 नवंबर 2012 को। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी जिसे हम कहते हैं, मायावती जी की पार्टी है, और ये 14 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हुई है, 1984 को, 14 अप्रैल 1984 को स्थापना हुई है बीएसपी की, मायावती जी की पार्टी की, यानी बहुजन समाज पार्टी की। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, इसकी स्थापना कब हुई है, 6 जनवरी 2013 को। इस तरह से टोटल राष्ट्रीय दल अब हमारे यहाँ कितने हो गए, 6। पहले 8 हुआ करते थे, 3 पार्टीज का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है। 3 जो पार्टी हैं उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तीन पार्टी कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो है आपकी देखिए एक है आपकी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, और तीसरी है एनसीपी। 3 पार्टी हैं जिनका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। एक तो सीपीआई है, एक एनसीपी है, और एक टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी। अब इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनका समाप्त हो गया है। ये 3 पार्टी हैं, सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी जो है। अब देखिए, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाएगा, इसके लिए हम समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशंस इसके लिए होती है। देखिए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया जाता है, तब दिया जाता है जब कोई भी पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। किसी भी पार्टी को 4 या इससे ज्यादा राज्यों में राष्ट्रीय राजकीय पार्टी का यानी राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा तो। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनावों में, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% वोट प्राप्त किए हों, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त की हो। अलग अलग राज्यों में उसने या तो 6% वोट हासिल किए हों, ठीक है, लोकसभा में, या फिर और उसके अलावा 4 लोकसभा सीटें जीती हों, या फिर यदि उसने इसके अलावा, या फिर अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरा, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से, कम से कम कितने, 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों,
लोकसभा में टोटल जितनी सीटें हैं उसका 2% यानी लगभग 11 सीटें हो गई प्रेजेंट में। 11 सीटें अगर कोई भी लोकसभा की जीत लिए तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है, या फिर 4 राज्यों में उसे अगर राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला होगा तब उसे मिल जाएगा किसका, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। इसके अलावा राज्य स्तर की जो पार्टी है राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए वो आप देख सकते हैं। तो प्रेजेंट में इंडिया में 50 से ज्यादा तो राज्य स्तर की पार्टी है, 50 से ज्यादा है, और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है, जिनकी स्थापना का वर्ष आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की वीडियोस में डेली आपके लिए लेके आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।